दोस्तों रोहित शर्मा का फैन कौन नहीं है, मतलब रोहित शर्मा की काबिलियत को कौन नहीं पहचानता, या फिर कहें शायद ही कोई ऐसा हो जो रोहित शर्मा के टैलेंट से अनजान हो। रिसेंटली हमने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में देखा जहाँ पर रोहित ने 121 रनों की पारी खेली, जिसने ना सिर्फ उनके फैंस को जो है खुशी का मौका दिया, लेकिन साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी जो है वो रोहित के इस इनिंग के बाद जो है अपनी खुशी को जो है जाहिर किया और साथ साथ ये बताया कि आने वाले वर्ल्ड कप में रोहित की कितनी अहमियत जो है बतौर कप्तान, बतौर ओपनर और साथ साथ बतौर पावर हिटर भी टीम इंडिया में हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ने रोहित की इस स्पेशल नॉक के बाद। हाल ही में खत्म हुई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज काफी मायनों में टीम इंडिया के साथ साथ रोहित शर्मा के लिए भी खास रही। अफगानिस्तान को T20 सीरीज में 3-0 से हराने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज 25 जनवरी से होना है। रोहित शर्मा के लिए 3 मैचों की T20 सीरीज उनके T20 करियर के हिसाब से काफी अहम साबित हुई। रोहित शर्मा पहले 2 मैचों में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, जिसके बाद बेंगलुरु में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में उनकी 121 रनों की नबात पारी ने सबको अपना फैन बना दिया और इसके साथ ही रोहित ने रिकॉर्ड्स की लाइन भी लगा दी। रोहित ने बेंगलुरु में खेले गए तीसरे T20 में शतक जमाते ही T20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित के नाम अब T20 में कुल 5 शतक हो गए हैं। इसी के साथ ही रोहित ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जहां रोहित अब बतौर कप्तान T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। रोहित के नाम T20 में बतौर कप्तान देखें तो 1647 रन हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट के नाम था। विराट ने बतौर कप्तान T20 में 1570 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, मैच में जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह के साथ मिलकर रोहित ने 190 रनों की नबात पार्टनरशिप की, जो कि 5वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। इसके अलावा रोहित ने तीसरा T20 जीतते ही MS धोनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। रोहित और धोनी के नाम T20 में 41-41 जीत हैं। इसी बीच रोहन गावस्कर रोहित शर्मा के मुरीद हो गए। रोहित शर्मा की अटैकिंग बल्लेबाजी देख रोहन गावस्कर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा, T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां आपकी कप्तानी एक अलग लेवल पर चेक होती है। अगर रोहित शर्मा की विनिंग परसेंटेज MS धोनी और विराट कोहली से ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि वो एक बेहतरीन कप्तान है। T20 फॉर्मेट में जब आप बल्लेबाजी करने आते हो तो आप पहली गेंद से अपने शॉट्स खेलने के लिए जाते हो। मुझे रोहित की इनिंग्स इसलिए खास पसंद आई क्योंकि सिचुएशन फेवर में नहीं थी। आप 22 रन पर 4 आउट हो गए थे, लेकिन रोहित और रिंकू ने जिस तरह सिचुएशन को समझ के बल्लेबाजी की वह बेहतरीन था। उन्होंने अपने शॉट्स खेलने पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि अपने आप को क्रीज पर समय दिया, जिसके बाद उन्होंने खूब रन बटोरे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।